नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, एचएसएससी सीईटी भर्ती से संबंधित एक और नई खबर है। सीईटी मेंस एग्ज़ाम हो रहा है 13 ग्रुपों का, तो उसमें किस किस का नंबर आ रहा है, यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या नई अपडेट है। तो दोस्तों, बहुत सारे साथी बार बार ये कमेंट कर रहे थे कि जो 13 ग्रुपों का एग्ज़ाम हो रहा है, मान लो कोई स्टाफ नर्स के था, कोई एएलएम था, कोई एसए था, कोई अटेंडेंट था, मॉडलर था, फीमेल डिस्पेंसर वगैरह जो भी है, सब कमेंट कर रहे थे कि जी एक बार लिस्ट जारी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, पता नहीं हमारा रोल नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो इससे संबंधित देख लीजिए क्या नई अपडेट है। ग्रुप सी के 13 ग्रुपों की 24 और 25 जून को होगी परीक्षा। पंचकूला करनाल में परीक्षा कराने को आयोग तैयार। आगे भी देख लीजिए क्या है, यहाँ पे देखोगे क्या है, ग्रुप सी भर्ती की परीक्षा 24 और 25 जून को होगी और पहले चरण में 13 ग्रुप की परीक्षा होगी। एचएसएससी ने तैयारी पूरी कर ली है और यह परीक्षा पंचकुला और करनाल में होगी। खास बात यह है कि 13 ग्रुप ऐसे हैं इनके लिए सीईटी पास अभ्यर्थियों को परीक्षा का मौका मिलेगा। नियमानुसार सीईटी मेरिट के आधार पर निर्धारित पदों के 4 गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा के चयन का प्रावधान है, लेकिन इन 13 ग्रुपों में 4 गुना अभ्यर्थी किसी भी पद के लिए नहीं है। देखो, कुछ पद के लिए डाउट में थे बच्चे, तो इसमें सीधा बता दिया कि किसी भी पद के लिए 4 गुना अभ्यर्थी नहीं है, यानी कि जिसने फार्म भर दिया उसका रोल नंबर 101% आएगा। पेपर की तैयारी में नहीं जुटे हैं तो भी आप जुट सकते हैं और 11,000 पदों के लिए 24,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो ये भी उन्होंने बता दिया है कि टोटल जो 11,000 पदों पर भर्ती होनी है और एग्ज़ाम कितने बच्चे देंगे, 24,000। तो सोच के देख लीजिए कितने कंपटीशन है, कितने कैंडिडेट है, यानी कि 11,000 पदों के लिए, वैसे चाहे रिपीटेड हो चाहे कैसे भी हो, 44,000 बच्चों को बुलाना था और बच्चे कितने जा रहे हैं, सिर्फ 24,000। तो बस इतना ही कंपटीशन है, बाकी आप देख लीजिए क्या है और क्या नहीं, यानी कि 2 गुना का भी कंपटीशन हम ना नहीं मान सकते हैं, क्योंकि 2-3 हज़ार इसमें से ऐसे भी मिलेंगे जो पेपर देने ना भी जाए, तो आपका 2 में से 1 सीट को पाना है। कितना मुश्किल है, कितना कंपटीशन आप देख सकते हैं, उसी के हिसाब अपनी तैयारी कर सकते हैं। यदि आपकी थोड़ी बहुत भी तैयारी है तो भी आप अगर 7-10 दिन पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से बिना झिझक के हो सकता है। बाकी आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं।